TAIT टेट महा टेट का एग्जाम फॉर्म भरते वक्त में अगर किसी से मिस्टेक्स हो गई है, जैसे कि माइनर मिस्टेक्स, जैसे कि कभी हो गया है कि जैसे कि कुछ TET में कुछ नंबर लिखने में मिस्टेक हो गई है, या फिर सीट नंबर लिखने में मिस्टेक हो गई है, फिर ईयर सेलेक्ट करने में मिस्टेक हो गई है, या फिर 10 डिजिट नहीं आ रहा था तो उसकी मिस्टेक थी, अब वो लॉन्ग करके दे दिया गया, इस तरह से जो कुछ माइनर मिस्टेक्स है, तो इसका एडिटिंग का ऑप्शन अभी तो गवर्नमेंट ने नहीं रखा है। एक तो रिक्वेस्ट करके आप उन्हें मेल करके वो ऑप्शन को इनेबल करवा सकते हैं, आपके रजिस्टर्ड मेल से उन्हें मेल करके रख दे सकते हैं, या फिर इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आगे चल के पवित्र पोर्टल में ये जितने भी एजुकेशनल डिटेल्स होती है वो दोबारा पूछी जाती है, तो उस वक्त में आप वो एजुकेशनल डिटेल्स को एंटर जब करेंगे तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, तो उसके लिए इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आप अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, छोटी छोटी गलतियों के लिए उसे रीफॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको लेकर परेशान है कि क्या करना है छोटी मोटी मिस्टेक्स का, तो उसे जैसे कि ईयर की हो गई है या फिर एग्जैक्ट डेट नहीं लिख पाए जो लोग उनकी पासिंग ईयर, तो उसका भी बाद में पवित्र पोर्टल में आ जाता है, क्योंकि इसका बेस ये तो एग्ज़ाम है, उसके बाद पवित्र पोर्टल पे सारा अपग्रेडेशन और नए नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो इसको लेकर ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर मेजर मिस्टेक्स है जैसे कि नेम, तो नेम कभी भी चेंज नहीं हो पाएगा, फादर नेम, मदर नेम, एक मरतबा ये डिटेल जो है उसको अच्छे से जो है तो फिल करना है, अगर आपके नेम में मिस्टेक है, मोबाइल नंबर में मिस्टेक है, ईमेल में, तो आपको दोबारा फॉर्म फिल करना पड़ सकता है। उसी तरह से अगर आपकी फ़ोटो फ़ोटो जो है तो बराबर दिख नहीं रही, विजिबल नहीं है, तो वो अगर रिजेक्ट करते हैं तो उनकी तरफ से होगा, अभी अगर आपने कर दिया है फ़ोटो भी, फ़ोटो को लेकर इसको लेकर ये फिक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।